वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि जावा आई के मुतल्लिक जो नई अनाउंसमेंट हुई है, आने वाले 4 से 5 दिन जो है जावा आई पे क्या होने जा रहा है, और इसके अलावा एक नई वेबसाइट है जनाब जिसका नाम है ब्लू स्काई, इतनी जुलती है जावा आई की आप बहन कह लें। अब यहाँ पर जो है कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जाके काम करना चाह रहे हैं। इसके मुतल्लिक मैं आपको मुकम्मल रिव्यू दूंगा कि आप ब्लू स्काई पे जो है काम करें या ना करें। इसके अलावा जावा आई पे जो आज की अनाउंसमेंट है वो आपके साथ शेयर करनी है। जावा आई के मतलब बाद में देखेंगे, पहले हम ब्लू स्काई को देख लेते हैं। अब ब्लू स्काई पे अगर आप काम करने जा रहे हैं तो जरा आप ये गौर से सुने। अब जरा आगे यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो सारी की सारी सेम टू सेम वही इंटरफेस है, वही मूवीज यहाँ पे शो हो रही हैं। और मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ऑप्शंस भी सारे सेम हैं। यहाँ पे चेक करें रिचार्ज का ऑप्शन, यहाँ पे इनका वैलेट शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम चेक करें विड्रा का ऑप्शन, वो भी वैसे का वैसा है जैसे जावा आई पे था, ठीक है। साथ में आपको सर्विस चेक करवाता हूँ, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। और माई के अंदर अगर हम जाएँ और ऊपर सेटिंग्स पर जाएँ तो वेरीफिकेशन का यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये वेबसाइट किस दिन पैदा हुई है, इसका जन्मदिन क्या था, वो आपको दिखाता हूँ मैं, और देखने के बाद आपको हैरानगी होगी। उसके बाद हम जावा आई की अनाउंसमेंट की तरफ आएंगे। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं और ये कौन ऑपरेट कर रहा है इसको बैठ के, और इसकी डोमेन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलते हैं वेबसाइट पे, इसका नाम है हु इज़। इस वेबसाइट पे जाके आपने यहाँ पे ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और नीचे हु इज़ पे आ जाना है, और यहाँ पे आपने लिखना है कंपनी का नाम जो आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, जिसकी रेटिंग्स देखना चाहते हैं। अब इसका नाम है ब्लू स्काई फिल्म .com। इस तरह ही आप अगर लिखेंगे तो फिर शायद आपको मिल जाए। अब यहाँ पे देखें जी, ये इसके मुतालिक सारा कुछ आ चुका है। अगर इनके मुतालिक देखा जाए तो ये बर्लिंगटन से जो है इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि यूएसए का एक सिटी है, और अमेरिका से बैठ के ये बंदा ऑपरेट कर रहा है। और ये रजिस्टर किस दिन हुई है, 17 तारीख को, इसी महीने की अप्रैल की 17 तारीख को जो है ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई। और यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट लिखी है वो 1 साल की है, यानी कि 2024 के अंदर इसी दिन जाके जो है वो ये वेबसाइट बंद हो। वेबसाइट की कोई सॉलिड बेस नहीं है। हम देखते हैं इसकी रेटिंग्स क्या है, क्योंकि रेटिंग्स देख के अंदाजा हो जाता है कि वेबसाइट पे क्या चल रहा है। आपने लिखना है जी ब्लू स्काई, सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपने नहीं लिखना। जैसे आप इतना लिखेंगे नीचे आपको सजेशन के अंदर नजर आएगा ब्लू स्काई फिल्म .com, इस पर आपने ओके कर देना है और पेज को बस थोड़ा सा आपने नीचे लेके जाना। और यहाँ पे ट्रस्ट स्कोर अगर हम इसका चेक करें तो सिर्फ 32 है। अगर आपको एक और मेन चीज यहाँ पे दिखाऊं तो ये अंडर प्रोसेस है, यानी डेवलपमेंट हो रही है अभी इस पर। आप यहाँ पे आके जितने भी ऑप्शंस देखेंगे वो सारे जो है वर्किंग में नहीं है। ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा ये साइट जो है रीच नहीं कर सकती, मतलब कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब यहाँ पे देखें एसेट्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी सारे ऑप्शंस है। और मेन चीज़ है होम के अंदर आके आप इनके इवेंट्स चेक करें। अब इवेंट्स के अंदर हम चलते हैं, पहला इवेंट है, देखा जाए तो जावा आई वालों ने भी यही बहाना किया था कि वो बहुत ज़्यादा डोनेशन कर रहे हैं, लोगों को बहुत पैसा दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और एंड पे नतीजा क्या निकला है, वो गरीबों को लूट के भाग गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में पूछ रहे हैं कि सर हमने इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, हम यहाँ पे रजिस्टर कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें। तो इस वेबसाइट पर आके आपने इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। कोई बेहतरीन वेबसाइट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप वहाँ पर काम करें, लेकिन इस पर काम फिलहाल नहीं करना। चले अभी जावा आई की अपडेट के मुतालिक बात करते हैं जो आज की डेट में आई हैं और आने वाले 1 हफ्ते में यहाँ पर इंप्लीमेंट रहेंगी। ये सबसे पहले जो ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सिर्फ वो हौसला ही दे रहे हैं, ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ यही हौसला दे रहे हैं कि हम विड्रा दे रहे हैं, आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये लाइन जो है काबिले गौर है, वो कह रहे हैं कि 3 मई को, यानी इंडोनेशिया के अंदर 3 मई को, आज से 8 दिन बाद, या जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आप 3 मई तक का अंदाज़ा लगा लें, तब जाके जो है कहते हमारी एक मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर फैसला होगा और फैसले में ये बताया जाएगा कि विड्रा कितना मिलना और किस कंट्री को हमने देना है, ठीक है। अभी ये जो है 1 हफ्ते का स्टे लेने के लिए जो है उन्होंने ऐसा कर दिया कि लोग जो है पूछे ही ना हमसे आके, हम एक नोटिफिकेशन ही क्यों ना दे दें। उसके बाद हम दूसरे नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, इसको आप जरा चेक करें। अब इसके अंदर जो है जनाब ये हमें रोक रहे हैं कि आपने ब्लू स्काई पर जाके वर्किंग नहीं करनी, क्योंकि वो फेक है। अगर वो फेक है जनाब तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना बताएं जरा। अब यहाँ पे देखिए ब्लू स्काई के मुतालिक हमें ये रोक रहा, कहता लीगल कंपनी नहीं है। और अगर जावा आई वालों को हम टेक्स्ट करें या कोई भी लीडर Level 4 या 5 का इनको टेक्स्ट करे, उनका रिप्लाई तक नहीं आता और वो ये भी नहीं बताता कि वेबसाइट क्यों ऑफ जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम बात मैं आपको, जो आपने नोट शायद ना ही की हो, कि ये कंपनी जो है यहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे। ऊपर देखिए नोटिफिकेशन चल रहे हैं इनके, यहाँ पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसके अंदर ये वाली बातें सारी बताएं कि 3 मई तक जो है हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। ये सारे वो नोटिफिकेशन है जो ये शेयर करते हैं ग्रुप्स के अंदर, खुद करते हैं, जैसे जैक ने खुद किए थे और कुछ लीडर्स को कर दिए जाते हैं, और इसी तरह जो है ये नोटिफिकेशन यहाँ तक आए। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है क्यों नहीं आ रहे ऑफिशियल ऐप के अंदर, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर ये ऐप बहुत ही स्मूथली काम कर रही है, वहां के लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं, वहां पे ये बिल्कुल उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं, क्योंकि अपने ही कंट्री के अंदर ये लोग स्कैम नहीं कर सकते, वरना इस वेबसाइट को उखाड़ के वो लोग फेंक देंगे। अभी ये अगर स्कैम कर रही है तो हमारे कंट्रीज के अंदर कर रही है, और इसलिए यहां पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इनकी ऐप पर नहीं आता, यह भी एक रियलिटी है। अब यही जो है कुछ नोटिफिकेशन थे मेन वो 3 मई तक जो है ना वो खींच के ले गए हैं इस कंपनी को, क्योंकि 15 को इनका जो है फाइनल फंक्शन है, उसके बाद का कोई इलम नहीं है किसी को, कंपनी रहे या ना।
रहे। अब 3 मई तक जो है ना इनका ये स्टे है, और इसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है टिकट्स बाय करते रहें, आप इन्वेस्टमेंट करते रहें। अब यहाँ पर वही लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे या वही टिकट्स बाय करेंगे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं, ठीक है, वो लोग कोशिश करेंगे कि उनकी रकम ना डूबे। लेकिन भाई आप ख्याल करें कि आपने पहले बहुत सारे पैसे यहाँ से निकाल लिए हैं, अभी आपने अपनी टीम का ख्याल रखना है, रकम डिपॉजिट करवाने का मशवरा आप किसी को ना दें। ब्लू स्काई के मुतालिक आपको पता चल चुका और जावा आई की अनाउंसमेंट भी आपको मैंने बता दी। बस यही नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना था और आपको ब्लू स्काई से रोकना था कि वहां पर इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी। कोई नया नोटिफिकेशन आता तो आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा, और ये जो तहरीर है सारी की सारी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगी। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको जावा आई के मुतालिक अपडेट्स मिलती रहेंगी।